पे तीर की तरह लगी, और उनकी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि ये बात जाके ठाकुर साहब से कह सके। आप तो जानते हैं कि बड़े बड़े घर की औरतों का एक ही काम है कि घूंघट काढ़ के चुपचाप अपने मर्दों के पीछे पीछे चलना। तो हाजरीन, एक दिन हुआ यूं कि पूस का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, ठाकुर साहब रंग महल में दाखिल हुए। इत्तफाक से पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आबोदाब से जलवागर हो रहा था। ठाकुर साहब ने चांद को देखा, हर तरफ छिटकी हुई चांदनी को देखा, हर तरफ छिटकी हुई चांदनी को देखकर उनके मन में एक मासूम सा ख्याल कौंधा कि हाय, अगर इस चांदनी रात में ठाकुरान की नस से तीर निकाला जाए तो कैसे। अब जब ख्याल आ ही गया तो ठहरना कैसे। लपक कर ठाकुरान के पास गए, अपने दिल का ख्याल जाहिर किया। वो ठाकुरान जो लिहाब में दुखी थी वो और अंदर घुस गई। उनकी आना कानी थी, ठाकुर साहब कहने अगर क्या बात करती हो, अरे हमारा निशाना कभी चूकता है जो तुम इस तरह से बर्ताव कर रही हो। ठाकुरान ने मन में सोचा कि हाँ हाँ ठीक है, दिन की रोशनी में तो आपका निशाना कभी नहीं चूकता है, अरे पर ये तो रात है। अरे माना के चांदनी रात है, पर है तो रात ही ना, और चांदनी रात क्या इसलिए हो कि नस तीर निकाली जाए। अरे चांदनी रात तो हो जी, नजरें नजरों से मिले, दिल दिल का शिकार करे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, एक चमेली के मड़वे तले दो बदन चांदनी रात में जल गए। और